सुनाई दे रहा है, एक ही रखो, यही रख लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे कर, उछल नहीं रहे। सबसे पहले तो मंच पर बैठे सभी हमारे जो साथी हैं, उनका मैं इधर इस कार्यकर्ताओं की सभा में स्वागत करती हूं, खासतौर से किशोरीलाल शर्मा जी, जो आज अमेठी के उम्मीदवार के रूप में मंच पर आसीन है। मुझे खास खुशी है इस बात की, और जैसे उन्होंने कहा, मैंने उनसे यही बात की, सच बोला इन्होंने, मैंने यही बात की कि आपने इनसे चुनाव का संचालन मैंने सीखा। जब मैं पहली बार यहाँ 99 में आई थी अमेठी में माताजी का चुनाव लड़ने, उस समय मेरी माताजी शायद एक दिन के लिए अमेठी आई, 5 मीटिंग की, हर विधानसभा में 1 मीटिंग, और बाकी समय किशोरी जी और मैंने उनके चुनाव का संचालन किया और पूरा प्रचार किया। उस समय मैंने किशोरी जी से सब कुछ सीखा, कार्यकर्ताओं के बारे में, किस तरह से चुनाव को संचालित करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, सारा उस समय सीखा। तो अब जब हमारी बात हो रही थी तो सही है, कह रहे थे कि आप ही लड़ लीजिए ना, तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, इस बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं यहां आई हूं अपने बड़े भाई का चुनाव लड़वाने के लिए और अपने साथी किशोरी जी का चुनाव भी लड़वाने के लिए। अब आप हमारे प्यारे कार्यकर्ता हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी तो उम्र वही लग रही है जो 20 साल पहले लगती थी लक्ष्मी जी। सब पहचाने हुए चेहरे हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, हम सब साथ अलग अलग परिस्थितियों में लड़े हैं, और अगर हम में एक खासियत है हम सब में, तो वो ये है कि हिम्मत है हम में लड़ने की। मैं आपके बारे में ये जानती हूं क्योंकि हमने चुनाव के समय क्या क्या देखा, किस तरह की लड़ाइयां, मुझे याद है एक समय एक बूथ था जहां कोई खड़ा भी नहीं होना चाह रहा था पोलिंग बूथ में, उस समय किशोरी जी अपने कुछ साथी लाए थे कि आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, बहुत खतरनाक ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी वहां। और मुझे याद है कि मुझे फोन आया 4:30 बजे कि दीदी आप आ जाओ लेने के लिए, नहीं तो यहाँ पे तो बुरा होने वाला है। तो उस जमाने से लेकर जब बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों में हम एक साथ इकट्ठे होकर दिन रात हमने काम किया और हम लड़े, ये बात हमने साबित की कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, अमेठी का जो कार्यकर्ता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़ा रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है और कभी हिम्मत नहीं हारता। क्यों? ये गहरी बात है, आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का, कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय, पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में, जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई, और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए, आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा
कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे, उस हार से वो सीखी, उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है, और फिर उस पे मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को दिखाया है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं, आज देश की परिस्थितियां जो हैं कई स्तरों पे उनसे अलग नहीं है जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की के ने परिस्थितियां बनाई थी। क्यों? क्योंकि आज देश का जो गरीब है, देश का जो किसान है, उसको एकदम नकारा जा रहा है। जितनी भी नीतियां 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही हैं, वो किसी गरीब के बारे में सोचते हुए या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं बन रही हैं, वो बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। और आज ये सच्चाई है कि देश का किसान पिस रहा है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धरती को सींचता है अपने पसीने से, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई उसके लिए पूरी नहीं हो रही है। आज आप जॉब करते हैं या कहीं पे आपकी नौकरी मजदूरी लग जाती है किसी की, किसी गरीब की, तो जितना भी कोशिश करे, जितनी भी मेहनत करे, काफी कमा नहीं पा रहा है कि उसका जीवन सुविधापूर्ण और अच्छी तरह से बीते, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे आगे जाके रोजगार ढूंढना हो, कुछ भी हो, आगे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और सब इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई समर्थन नहीं आ रहा है। सरकार की नीति यह है कि लो 5 किलो का राशन ले लो और हम आपको बड़े बड़े इवेंट दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि सब अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये आपको बताएंगे, आपके जीवन में ये सच्चाई नहीं दिख रही है। जितने भी ऐसे संस्थान थे जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, उन सब को कमजोर किया हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। चाहे आप मीडिया को लें, चाहे आप कोर्ट्स को लें, न्यायपालिकाओं को लें, सबको पूरी कोशिश रही है कि इनको कमजोर किया जाए। चाहे आप संसद को लें, ये पूरी कोशिश रही है कि संसद की मजबूती भी कम की जाए, क्योंकि इनकी ये नीति है और इनकी ये इच्छा है कि जनता के जो अधिकार हैं वो कमजोर रहे और इनकी जो सत्ता है वो बढ़ते जाए। ये एकदम हमारे लोकतंत्र के जो असूल हैं उसके विपरीत है। आज देश में जो हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पूरी तरह से आप जानकार हैं, आप समझते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी। आप देख रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, आतंक भी फैलाया जाता है इनके उम्मीदवारों से। आप यहाँ रायबरेली में आपने खुद देखा है कि चुनाव आता है तो डर भय फैलाया जाता है, और चुनाव के समय भी, अगर चुनाव के समय नहीं तो बाकी समय के लिए भी ये परिस्थितियां रहती हैं आपकी, कि आपको दबाने की कोशिश होती है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये वो राजनीति नहीं थी जिसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो आंदोलन किया वो इसलिए किया था ताकि जनता के अधिकार मजबूत हो। शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन एक ऐसी सरकार आएगी इस देश में जो उन्हीं को देशद्रोही कह के ये कहेगी कि अगर हमें 400 सीट दे दो हम संविधान को बदल देंगे। वो सोच भी नहीं सकते थे शायद कि ऐसी स्थिति देश में कभी आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव के समय, वो अपना अपने पद का स्तर इतना गिरा देंगे कि अपने पद की गरिमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं।
कि अपने पद की अहमियत के बारे में का आदर भी नहीं करेंगे। और शायद वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी जनता की को कमजोर करने की कोशिश सरकार करेगी। हमारे देश की, हमारे धर्म की परंपरा रही है, किसी भी गुरु की सीख आप देख लीजिए, हिंदू, पूरे हिंदू धर्म में, कल्याण सिंह जी सिख धर्म में भी, सब धर्मों में कि जो भी परंपरा रही है, जो भी हमें सिखाया गया है, वह यही सिखाया गया है कि सेवा का धर्म होना चाहिए, सत्य के पथ पे चलना चाहिए। और देश में जनता जो है, जो गरीब है, जो किसान है, जिसके पास कम है, जो कमजोर है, वही सर्वोपरि होना चाहिए। यही हमारी राजनीति का हमेशा आधार रहा है। आप यहाँ सोनिया जी के संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, आप जानते हैं कि हमने हमेशा किन असूलों को आगे रखा है, किस तरह से हमने काम करने की कोशिश की है। हमने विकास को सर्वोपरि रखा। यहाँ किशोरी जी ने आपको बताया, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। चाहे एम्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ITI हो, चाहे कुछ, पूरे अमेठी में जितना विकास एक समय में किया गया था, जब क्षमता थी, सरकारें थी, तो पूरा विकास हमने कराया और इसमें हम कभी पीछे नहीं हटे। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि मैं अपने पिताजी के साथ अमेठी आती थी, और उसी तरह से आप जानते हैं कि माताजी के साथ कई बार रायबरेली आई। गांव में हम जाते हैं, जनता डांट देती है, कोई कह देता है कि भाई सड़क नहीं बनाई, हमने आपको नल के बारे में पूछा था, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, आपने अभी तक नल नहीं लगवाया। ये एक आपका अधिकार रहता है। यही हमारी राजनीति रही है कि आपका अधिकार है, आप डांटो, आप नाराज हो, आप सवाल उठाओ, आप लड़ो हमसे। कितनी बार आपने डांटा है मुझे, एक आध बार मैंने भी डांट दिया, उसके लिए माफी मांग ली मैं। तो ये हमारी राजनीति यही रही है कि अधिकार आपका है, सत्ता देने वाले आप हैं। आज अगर हम अकेले चुनाव लड़ने जाएं, आपके बिना, आपकी मदद के बिना, तो वो नतीजा नहीं आएगा। जो तब आता है जब आप सब लगते हैं, आप सब दिल से काम करते हैं और हमारे साथ जनता जुड़ती है। और यहाँ की जनता हमेशा जागरूक रही है। ये मुझे याद है सोनिया जी के पहले चुनाव से, जब मैं उन लोगों को बूथ में गई लेने के लिए, उस चुनाव से मुझे याद है कि यहाँ की जनता जागरूक रहती है, समझदार है। आप जानते हैं कि काम करने वाला कौन है, आतंक फैलाने वाला कौन है। आप जानते हैं कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी और हमें धमकाया कहाँ जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से ये सारी चीजें अपने क्षेत्र के बारे में मालूम है। और यहाँ की खूबी ये है कि सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं, आप पूरे देश की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। तो ज्यादा समझाना नहीं चाहती मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकारी है, लेकिन देखिए आज देश में परिस्थितियां ठीक नहीं है। आज जनता की मांग है महंगाई कम करो, रोजगार दिलवाओ, हमारा भविष्य मजबूत करो। और सरकार की बातें हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लोगों को ये कहने की कोशिश करेंगे कि कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएंगे। भय फैलाने वाली बात, जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने क्षेत्र में ये देखा है कि किस तरह से गांव गांव में जाके झूठ फैलाए जाते हैं, भय फैलाया जाता है। और ये कोशिश होती है कि जज्बातों के आधार पर, भय के आधार पर जनता वोट दे दे। और यही जो सिलसिला है, इसने हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया है। आज अगर ये लोग चुनाव के मंच पर आकर पाकिस्तान की बात, पर आंच आने वाली है या आपको घबराने की जरूरत है, तो आप समझते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आपके जज्बात उभरेंगे और इनको वोट मिलेंगे। और एक बार इनको वोट मिल जाता है, इनको सत्ता मिल जाती है, तो आपने खुद अनुभव किया है कि 10 सालों में आपके लिए क्या नहीं किया, क्या किया है इन्होंने।
जो जो प्रोजेक्ट ये दिखा रहे हैं अपने इश्तिहारों में, ज्यादातर वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के जमाने में पास हुए, तब शुरू हुए, अब जाके बन रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, जितने भी लोग ये कहते थे कि परिवारवाद परिवारवाद, अब इनकी पार्टी में देखिए, तमाम बेटे बेटियां चाची चाचियां सब इनकी पार्टी में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर परिवारवाद की बात कहां गई? भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तो स्कीम इन्होंने निकाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम। इन्होंने तो इसको एक स्कीम बना दी कि जो भी चंदा देगा भाजपा को उसका नाम गुप्त रहेगा, जब नाम बाहर आए तो इनकी बदौलत बाहर नहीं आए। बाहर आए इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने बोला कि बाहर निकालो लिस्ट, अब सूची देखिए। और ये सब बातें आपको समझानी चाहिए लोगों को, किस किस से चंदा लिया है, जिसने गुजरात में वो पुल बनाया, जो पुल गिर गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी गई, उस पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया, जिसको धमकाया था, जिसपे छापे लगाए थे उनसे चंदा लिया छापे बंद, जिसपे केस लगाए थे चंदा लिया केस बंद या ठंडे बस्ते में। और इसका नतीजा क्या हुआ कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। वो आपकी भावनाएं कैसे समझ पाएंगे? आपने हमेशा जो काम किया है एक भी पैसा लेने के बिना किया है, आपको वेतन नहीं मिलता, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आप जन सेवा करते हो, सेवा की भावना से करते हो। उन्होंने दुनिया भर का चंदा इकट्ठा करके अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी, और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस के खाते बंद कर देते हैं चुनाव के समय, दो दो सीएम को जेल में डाल देते हैं चुनाव के समय। ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। इनकी बड़े बड़े खरबपतियों के साथ सांठ गांठ है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ किए हैं, जो हमारा किसान 10,000 रुपए के लिए 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, अपनी बेटी की शादी करा नहीं पा रहा है, उसके लिए एक पैसा माफ नहीं। आज ये है परिस्थिति और सच्चाई इस सरकार की। आप टीवी चलाएंगे तो आपको ये सच्चाई नहीं दिखेगी, आप टीवी चलाएंगे तो आपको सब सुनहरा दिखेगा, आपको दिखेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, G20 हो रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको बताया जाता है कि मोदी जी इतने बड़े नेता बन गए हैं कि वो चुटकी भर में युद्ध रोक सकते हैं पूरी दुनिया में। बहुत बढ़िया, रोकिए फिर युद्ध रोकिए, लेकिन उसके साथ साथ एक आध रोजगार भी तो दिलवा दीजिए देश में। इतनी सत्ता है, इतने बड़े नेता हो, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, जो किया है उसके बारे में तो बताइए जनता को। लेकिन जनता का इस कदर निरादर हो रहा है आज हमारे देश में कि नेता समझ गए हैं कि उनको जनता को कोई के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। एक बात मेरे मन में बैठ गई जब मैं यहाँ 22 में चुनाव के लिए काम कर रही थी, बघेल जी आए थे और मैंने कहा था उनके लिए एक हमने आयोजित किया था एक प्रोग्राम जिसमें वो बिजनेस के लोगों से वो उनकी बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद जब बघेल जी आया और मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा प्रोग्राम, तो बताने लग गए कि दीदी यहाँ एक बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने कहा क्या? कहते सवाल नहीं पूछते ज्यादा, थोड़े डरे हुए हैं लोग। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है क्यों? कहते दबाव रहता होगा, सरकार का दबाव रहता होगा। फिर उन्होंने एक बात कही, कहा कि दीदी हमारे छत्तीसगढ़ में तो एकदम अलग है। मैंने कहा क्यों? कहते देखिए हमारा जब ध्यान काम पे रहता है ना तो जनता हमको कुछ भी पूछ सकती है, हमें मालूम है कि हमें काम के आधार पर वोट लेना है, तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति रहती है।
यहाँ पे क्या परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि वोट लेने के समय नेता जानता है कि धर्म की बात करेगा उसको वोट मिल जाएगा, तो एक तरह से उसने अपनी जवाबदेही खत्म कर दी है, क्योंकि अब वो जान गया है कि चुनाव के समय मैं जज्बातों की बात कर दूंगा, मैं धर्म की बात उठा दूंगा, वोट तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, तो फिर मैं काम क्यों करूं। तो ये भावना जब किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में आ जाती है जिसके पास इतनी सारी सत्ता है कि भाई मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, बगैर काम किए धर्म की बात करके या बड़े बड़े सपने दिखा के या बड़े बड़े झूठे वादे करके ही मुझे वोट मिल जाएंगे, तो काम करना बंद कर देता है जो सही काम है, और उसका ध्यान कहाँ जाता है, अपनी सत्ता के प्रति, किस तरह से अपनी पार्टी के लिए धन इकट्ठा किया जाए, किस तरह अपने खरबपति मित्रों को मजबूत बनाया जाए। और साठ गांठ की बारे में मैंने क्यों बात की, क्योंकि आज देश की पूरी मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों की है, जो पैसे जो धन भाजपा ने इकट्ठे किए हैं किसके पैसे हैं, कहां से आया है वो धन, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं इन खरबपतियों को, वो किसका धन है, देश का धन है, मोदी जी का धन नहीं है, वो देश का धन है, वो आपकी संपत्ति है। तो ये सारी बातें आज हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम इन बातों को ठीक से नहीं समझेंगे तो हम बाकी लोगों को कैसे समझाएंगे कि कितनी भीष्म परिस्थितियां हैं आज देश में, और हमारा पूरा जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। हम बार बार बोलते हैं मंच पे, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसका मतलब क्या है? जो गांव में रहता है, जो किसान है, जो गरीब है, उससे क्या मतलब है इस लोकतंत्र का? ये समझाना जरूरी है कि इस लोकतंत्र ने अधिकार दिया है आपको, वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा औजार है जिससे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, या फिर आप अपने भविष्य को अंधकार में भी ढकेल सकते हैं। ये समझाना जरूरी है, ये समझाना जरूरी है कि अगर संविधान बदलेगा इसका मतलब क्या है? क्या आपका वोट कल को आपको नहीं मिलेगा? क्या आरक्षण कम हो जाएंगे? क्या जो आपके अधिकार हैं, जैसे कांग्रेस ने आपको भोजन का अधिकार दिया, जनता को शिक्षा का अधिकार दिया, इनका क्या होगा अगर संविधान बदलेगा? ये सब बातें समझानी बहुत जरूरी है। बाकी शायद 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक, दो चार घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं, दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी, और अगर एक सेना है इस पूरे देश में जो लड़ना जानती है तो ये सेना है। अगर किसी के दिल में भय है तो अभी पीछे हट जाए, इसके बाद में मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है, और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, ये राहुल भैया का चुनाव है हम सबके लिए, हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। ये वो किला है, ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में, ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहां से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं।
यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए अपने लिए नहीं है, आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है, इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये हैं कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली, महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया, जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा, ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा ना आपने उनका साथ छोड़ा। मैं तो नहीं छोड़ने वाली साथ, मुझे तो आप बहुत बहुत दिनों से जानते हो। अब ये वो मिट्टी है इस देश की जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया, ये वो मिट्टी है, ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा, और ये जो लड़ाई जो है आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। तैयार हो? तो अब मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं, जब तक 18 तारीख को 18 तारीख को 5 बजे चुनाव आयोग मुझे कहेंगे कि आप चली जाओ, तब तक मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं। हम दिन रात काम करेंगे, हम पूरे दिन भ्रमण करेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र के और अमेठी के, रात को हम पूरी आपके कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखेंगे, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, किस तरह से क्या करना है आप आके मुझे बताइए, दरवाजे खुले हैं, पूरी दिन पूरी रात मैं आपके लिए समर्पित हूं, और मैं जानती हूं कि आप सब इस देश के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार